में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग की जगह बदली, लखनऊ के मुमताज पीजी कॉलेज में बैठक। नद्दा में हो रही बैठक में उभरा विरोध, ओवैसी समेत तमाम सदस्य बाहर निकले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक दारुल उलूम नबदतुल उलमा में, मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन लेना है या नहीं इस पर भी चर्चा होनी थी। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष राबे हसन नदवी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। 51 कार्यकारी सदस्यों में ज्यादातर रहेंगे मौजूद। एआईएमआईएम नेता ओवैसी भी लखनऊ में बैठक में शामिल हो रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने फिर दोहराया, मेरी निजी राय है कि समीक्षा याचिका दायर की जानी चाहिए और अयोध्या में 5 एकड़ जमीन नहीं ली जानी चाहिए। ओवैसी ने यहां तक कहा कि 5 एकड़ के बजाय अगर 500 एकड़ जमीन भी मिले तो भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। हालांकि इस पर फैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का होगा। देवबंद के उलेमा असद कासमी ने ओवैसी से जताई सहमति का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करता हूं सम्मान लेकिन इस्लाम के मुताबिक एक बार जो मस्जिद बन जाती है वो कयामत तक रहती है। असदुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ बयानों पर बिफरे केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, ओवैसी को बताया दूसरा जाकिर नायक। बाबुल सुप्रियो ने ओवैसी को दिखाया कानून का आईना, कहा जरूरत से ज्यादा बोलने पर उन्हें समझाना होगा, देश में कानून व्यवस्था भी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ बैठक नहीं करेंगे इकबाल अंसारी, कहा विवाद से जुड़े सभी पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मान्य, नहीं किया जाना चाहिए इसका राजनीतिकरण। अयोध्या में जनता ने भी ओवैसी के भड़काऊ बयानों का किया विरोध, कहा ओवैसी मुसलमानों के हितैषी नहीं, वोट बैंक के लिए सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं। ओवैसी के विवादित बयानों के बीच अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों पर, पिछले 30 सालों से जारी कार्य में आई तेजी। राम मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान के बयाना से अयोध्या लाए जा रहे हैं पत्थर, बंसीपुर की पहाड़ियों से लाए जा रहे हैं लाल और सफेद पत्थर। मकराना के मशहूर संगमरमर भी राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या भेजे जा रहे हैं। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को सताई राम वन गमन पथ की चिंता, परियोजना का काम किया तेज। कमलनाथ सरकार ने ओरछा में विश्व प्रसिद्ध राम राजा मंदिर को विकसित करने की शुरू की योजना। ओरछा शहर, बेतवा नदी और घाटों का अयोध्या के सरयू तट की तर्ज पर होगा सौंदर्यीकरण, आगामी विधानसभा सत्र में जारी किया जा सकता है बजट। अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत सर्वेश्वर दास ने परमहंस दास को छावनी से निकाला, परमहंस दास ने नृत्य गोपाल दास पर लगाए थे कई आरोप। सर्वेश्वर दास ने कहा परमहंस दास को बनाया था उत्तराधिकारी लेकिन उनकी बयानबाजी उचित आचरण के मुताबिक नहीं थी, लिहाजा परमहंस दास का तपस्वी छावनी से कोई संबंध नहीं। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की आज पुण्यतिथि, मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क में मुख्य आयोजन। दोपहर 2:30 बजे तक चलेगा कार्यक्रम, मौजूद रहेंगे उद्धव। शिवसेना के हजारों कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल, सरकार बनाने की सुगबुगाहट के बीच जबरदस्त जोश। कार्यक्रम में कांग्रेस और एनसीपी के भी नेता रह सकते हैं मौजूद, बाला साहेब को देंगे श्रद्धांजलि। बीजेपी नेता भी बाला साहेब को कर रहे हैं याद, देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी ने किया ट्वीट। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज बैठकों का दौर, सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बैठक में पीएम मोदी भी शामिल, सभी दलों से सहयोग और समय के दुरुपयोग पर जोर। संसद के शीतकालीन सत्र में लाए जाएंगे 35 विधेयक, नागरिकता संशोधन विधेयक को पारित कराने पर जोर। शीतकालीन सत्र के हंगामा के जरिए के आसार, विपक्ष उठाएगा देश में आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और लोगों की नौकरियां गंवाने का मुद्दा। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने भी बुलाई बैठक, राज्यसभा के नेताओं के साथ चर्चा। आज उनके नेताओं की भी बैठक, सत्र में सहयोगी दलों के साथ समन्वय पर चर्चा। संजय राउत के मुताबिक आज एनडीए की बैठक में भी शिवसेना सांसद नहीं करेंगे शिरकत। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में बदला गया शिवसेना के सांसदों का स्थान, एनडीए से नाता तोड़ने के बाद अब विपक्ष की सीटों पर बैठेंगे शिवसेना सांसद। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में अब शिवसेना सांसद संजय राउत 38 नंबर की जगह 198 नंबर की सीट पर बैठेंगे। आज बीजेपी पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव
की भी मीटिंग। सत्र को लेकर पार्टी की रणनीति पर मंथन। महाराष्ट्र में सरकार गठन के मुद्दे पर सोनिया गांधी के साथ बैठक करेंगे शरद पवार। सोमवार को होगी मुलाकात। सोनिया गांधी से मुलाकात के पहले शरद पवार ने आज पुणे में एनसीपी की कोर कमेटी की बैठक बुलाई। न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय होगा एजेंडा। महाराष्ट्र में सरकार गठन से पहले उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी की मुलाकात होगी या नहीं, ये भी तय नहीं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल को भरोसा, राज्य में बनेगी बीजेपी की सरकार। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के कार्यकर्ताओं को दिए इसी भरोसे का दिया हवाला। चंद्रकांत पाटिल ने कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं का हौसला बरकरार, महाराष्ट्र में आगामी ग्राम पंचायत और जिला पंचायत चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान, बीजेपी को सता रहा डर कि जिन नेताओं ने 21 अक्टूबर से पहले थामा था बीजेपी का दामन, अब छोड़ सकते हैं उनका साथ। अमित शाह और चंद्रकांत पाटिल पर शिवसेना ने किया वार, लगाया आरोप, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की ओर में बीजेपी कर सकती है तोड़फोड़। शिवसेना ने बीजेपी के 14 निर्दलीय विधायकों समेत 119 विधायकों के समर्थन के दावे पर उठाया सवाल। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के गठबंधन टूटने का मुंबई में होने वाले मेयर के चुनाव में पड़ सकता है असर। 22 नवंबर को होना है चुनाव। बीएमसी की कुल 227 सीटों में से 2017 में शिवसेना ने 94 और तत्कालीन सहयोगी बीजेपी 82 सीटों पर जीती थी। दिल्ली में आप नेता संजय सिंह ने सड़क हादसे में घायल लड़की की मदद की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। झारखंड में जेएसयू और बीजेपी के बीच टूटी 19 साल पुरानी दोस्ती, सभी पार्टियां अलग अलग लड़ेगी चुनाव। बीजेपी सांसद ओम माथुर बोले झारखंड में विधानसभा की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। रायबरेली से कांग्रेस विधायक आदित्य सिंह की तय हुई शादी, पंजाब के कांग्रेस विधायक अंगद सैनी से रचाएंगी ब्याह। अमृतसर में बीजेपी ने महात्मा गांधी संकल्प यात्रा का किया आयोजन। योगी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह विवादों में घिरी एक बिल्डर पर केस दर्ज करने पर लखनऊ कैंट की सीओ को धमकाने का आरोप। वायरल वीडियो में स्वाति सिंह ने सीओ को कहा जब मामला सीएम के संज्ञान में था तो इतनी जल्दी एफआईआर क्यों लिखी, काम सीखने के लिए नसीहत। वायरल वीडियो पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्री स्वाति सिंह को लगाई फटकार, किया तलब, डीजीपी ओपी सिंह को 48 घंटे के भीतर जांच करने का आदेश। मंत्री स्वाति सिंह के बचाव में आ गया यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कहा नहीं वायरल होना चाहिए ऐसा वीडियो, हम जनता के सेवक हैं, किसी उद्योगपति या गरीब को नहीं पहुंचनी चाहिए तकलीफ। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने भी यूपी सरकार के मंत्री स्वाति सिंह का किया बचाव, पूछा धमकी वाले वीडियो का कहां हुआ ऑडियो टेस्ट। श्रद्धालुओं के लिए खोला गया सबरीमला मंदिर, 41 दिनों तक श्रद्धालु कर सकेंगे भगवान अयप्पा के दर्शन। सबरीमला में सुरक्षा इंतजाम सख्त, 4 चरणों में 10,000 सुरक्षा बल की तैनाती है। सबरीमला में सभी उम्र की महिलाओं की एंट्री के मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच को करना है फैसला, पुनर्विचार याचिका पर होगा फैसला। सबरीमला मंदिर में जाने से पुजारियों ने 10 महिलाओं को रोका, सभी को पुलिस ने भेजा। समाजसेवी तृप्ति देसाई 20 नवंबर के बाद जाएंगे सबरीमला, केरल सरकार से मांगी सुरक्षा। अयोध्या में संतों ने की बैठक, कहा संतों को किसी पद की नहीं होती अपेक्षा, ऐसा कहने वाले की निंदा की। बीएचपी नेता मिलन परांडे का बयान, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का अध्यक्ष किसी संत को बनाया जाए। लखनऊ के जानकीपुरम में बाइक की चोरी सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के वासी में पेट्रोल पंप से 2 लाख कैश की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट डालने वाला सोहराब अली दिल्ली से गिरफ्तार, लखनऊ पुलिस ने किया अरेस्ट। देसी विदेशी परिंदों की पसंदीदा जगह जयपुर की सांबर झील पक्षियों के लिए बनी कब्रगाह, 5 दिनों में 10,000 पक्षियों की मौत, राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। 10,000 पक्षियों की मौत पर केंद्र सरकार ने भी सांबर झील भेजी टीम, रेस्क्यू मिशन में जुटे लोगों के मुताबिक करीब 15,000 पक्षी अब तक तोड़ चुके हैं दम। रंजीत सिंह हत्याकांड में राम रहीम की बढ़ सकती है मुश्किल, सुनवाई पूरी, जल्द आएगा फैसला। गाजियाबाद में 70 लाख रुपए के गबन के आरोप में पूर्व थाना प्रभारी लक्ष्मी चौहान गिरफ्तार, 9,85,000 रुपए की रिकवरी। गाजियाबाद पुलिस ने चोरी के आरोप में एक महिला समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद।